ठाकुर का कुआं। इस कहानी की शुरुआत एक कम जन्मी अछूत जोड़े छुखू और गंगी से होती है, जिसे छोटे जात होने की वजह से छुखू बहुत बीमार है और उसे प्यास लगी थी बहुत जोरों से। उसने गंगी से पानी एक लोटा मांगा तो गंगी ने उसे एक लोटा पानी दिया। जैसे ही वह लोटे की पानी मुंह के पास लेके गया तो वह पानी बहुत ही ज़्यादा बदबूदार था और पीने के लायक नहीं था। उसे देखते हुए गंगी ने भी दृष्टि की कि इस पानी बदबूदार है और सुझाव दिया कि कुएं में कोई जानवर मर गया होगा। लेकिन असली समस्या यह थी कि गंगी ज़्यादा डरी हुई थी। कम जन्मी होने के कारण गंगी को केवल एक ही कुएं से पानी निकालने की अनुमति थी और उसके घर से वह बहुत दूर था और अकेले थी, जो हर शाम जाकर उसे पानी को लाती थी। सामने जो कुआं था वह ठाकुर ऊंचा जन्म का था और जिसमें से पानी निकालने की अनुमति कम जन्मी अछूत गंगी को नहीं थी। पानी निकालने की अनुमति उसको ठाकुर ने नहीं दिया था। गर्मी के सिलसिलाती दोपहर थी और छुखू के वो प्यास इस कदर पहुंच गई थी कि वह अपनी प्यास बुझाने के लिए गंदा पानी पीने का भी तैयार था। गंगी ने उस पानी को पीने से मना किया और उसे युद्ध रखने का धैर्य रखने के लिए कहा, क्योंकि वह ताजे पानी की व्यवस्था करने के लिए बाहर गई थी। छुखू ने अपनी बीवी के ठाकुर को कुएं से पानी खींचते हुए पकड़े जाने पर मारपीट और गाली गलौज के बारे में भी चेतावनी दी। देर रात तक गंगी पानी लेने के लिए ठाकुर के घर के बाहर चोरों की तरह रेंगने का इंतजार कर रही थी। गंगी ने पूछा, ठाकुर परिवार के सोने का प्रतीक्षा करते हुए उच्च जन्म वाली महिलाओं की बातचीत सुनी। वह शिकायत कर रही थी कि कैसे यह ठाकुर कभी पानी लेने नहीं आते और महिलाओं को दाम के रूप में सारा काम करने का आदेश देते हैं। हालांकि गंगी को वह इसका एहसास नहीं था। वह भी अपने परिवार को पुरुष के लिए पानी लाने के लिए एकमात्र व्यक्ति थी। जैसे ही महिलाओं वह से गई, गंगी पानी लाने के लिए ठाकुर के आंगन में रेंगते हुए घुसी। हालांकि वह पीछे की ओर झुकते हुए सुरक्षित रूप से पानी निकालने में सफल रही, लेकिन वह लगभग पकड़ी गई थी। ठाकुर की नींद खुली और वह आंगन में देखने आया। गंगी से जितने तेज बन पड़ा वहाँ अपनी उतनी तेज हुआ भागी। अंत में छुखू पानी प्यास पर काबू न कर सका। जैसे ही गंगी ताज़ा पानी लोटा पानी लेकर आई, उसने छुखू को वह गंदा पानी पीते हुए देखा
गंगी को एहसास हुआ कि झुकू की प्यास ने उसके द्वारा किए सभी प्रयासों का हरा दिया। कैसा लगा यह कहानी नीचे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर से मिलते हैं नई कई